I hope you are all doing fine and well. Today I have come with another video, pranam. आज मैं आपके पास दूसरा वीडियो लेके आई हूँ प्रणाम के साथ. पिछली बार मैंने आपके वीडियो में क्या पढ़ाया था आपको, नाउ. नाउ के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था. आई होप यू लाइक दैट वीडियो एंड आई होप दैट यू लाइक दिस आल्सो. आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी एंड इफ यू लाइक देन लाइक आवर वीडियो एंड चेक आउट प्रीवियस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो लेट्स बिगिन. So, what is pronoun? Pronoun kya hai? Pronoun is a word that I use in a place of a noun. Pronoun ko hai jab hum noun ki jagah pe use karte hain. Aur noun kya tha? Noun is a naming word. Noun wala word tha. Aur pronoun kya hai? Jo hum noun ki jagah pe use karte hain. What is pronoun? Words. हम लोगों ने प्रणाम वर्ड कौन से यूज किया है? यू यानी कि तुम.
तुम एक पिंपल हो एंड आई लाइक यू, यानी कि तुम। जब आप दूसरों को इंडिकेट करते हैं तुम, जो सिंगुलर होता है और दूसरों को इंडिकेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यू। यू आर और यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज ही शी। अब मैं आपको बताऊंगी ही और शी कब यूज करते हैं, जहां सिंगुलर बॉयज या गर्ल होते हैं, जहां सिंगुलर लड़की या फिर लड़का होते हैं, तब हम लोग ही और शी यूज करते हैं। ही इज अ बॉय, लुक एट हिम। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, उसको देखिए। नाउ शी इज अ नर्स, लुक एट हर। हम लोग अपने इसमें कौन सा वर्ब प्रोनाउन यूज किया है, ही एंड हिम, और नीचे में शी एंड हर। ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, हिम, और शी के साथ क्या यूज करते हैं, हर। सो आप जब एक वन बॉय या वन गर्ल के बारे में आप जब बताते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, ही शी हिम एंड हर। अब हम लोग बताएंगे आपको इट के बारे में। इट आप कहां यूज करते हैं, पर्सन पे आप इट यूज नहीं कर सकते, आप इट यूज करते हैं प्लेस पे, थिंग्स पे और एनिमल्स और विदाउट लाइफ। आप कहां पे यूज करते हैं, थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स और विदाउट लाइफ। थिंग्स जैसे कि नाउन में मैंने आपको बताया था, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल में बताया था। सो पर्सन पे आप इट यूज नहीं करेंगे, तो थिंग्स, एनिमल्स और प्लेस में। सो इट इज अ ट्री, ट्री एक थिंग है ना, सो हमने क्या यूज किया, इट। नाउ सेकेंड इज प्लेस, इट इज अ नाइस, इट इज अ नाइस प्लेस। प्लेस में हमने क्या यूज किया, इट। अब एनिमल्स पे हम कैसे यूज करेंगे, it is a dog। so हमने things में भी it का use किया, place में भी किया और animals में भी हमने it का use किया। so आप things, place और animal में it का use करते हैं। now हम आपको बताएंगे them और they के बारे में। तो अब हम बताएंगे आपको दे एंड देम। दे और देम हम कब यूज करते हैं, जब हम दूसरों के बारे में इंडिकेट करते हैं। पहले जब मैंने अस और वी के बारे में बताया था तब हम अपने बारे में इंडिकेट कर रहे थे ना, और दे और देम ये हम जैसे ही और शी में हमने दूसरों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वहां पे बस एक लड़का और एक लड़की थी, और दे और देम पे हम दूसरों के बारे में कर रहे हैं लेकिन वहां पे ढेर सारे हैं। सो दे are boys, look at them, they are flowers, smell them। so what is pronoun here, is pronoun kya hai, they and them, they and them। They are boys, वे उनको देखिए है, दे आर फ्लावर्स वो फ्लावर्स यानी कि फूल है, उनको देखिए। सो आज मैंने आपको बताया है प्रोनाउन के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू थिंक इट्स यूजफुल फॉर अस देन यू कैन स्क्रीनशॉट दिस एंड यू कैन राइट इट इन योर कॉपी। एंड मैं आपको इस वीडियो के दौरान अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी। आई होप इफ यू थिंक दैट्स हेल्पफुल फॉर यू देन यू कैन राइट इट इन योर कॉपी। If you like our video, then like our video, subscribe to our channel and hit the like button and check out previous video, you will find many more interesting things in there. Thank you.